करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड की सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सही देखा कि ब्लड की सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, कोशिका है, जो हमारे शरीर का निर्माण किया है। वह कोशिका कैसे जीवित रहे, वह स्वस्थ रहे, वह निरोग रहे, उसके लिए ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो हम आज जानने वाले हैं ब्लड की सर्कुलेशन कैसे बेहतर कर सके, जिससे हमारे शरीर के सारी कोशिका हेल्दी रहे। जब हमारी कोशिकाएं हेल्दी रहेंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष रावत है और आज हम जानने वाले हैं ब्लड की सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए क्यों नितांत आवश्यक है, क्यों जरूरी है और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई और जानकारी चाहिए ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, अपने हेल्थ को कैसे बेहतर होने बनाया जाए, अपनी बॉडी को कैसे एनर्जेटिक बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए, निरोग बनाया जाए, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ब्लड की सर्कुलेशन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ही हमारे शरीर को निरोगी बनाता है। उसके लिए बहुत तरह तरह के पद्धति को अपनाते हैं, जैसे योग को, एक्यूप्रेशर को, एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, रनिंग करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो सके। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इस चीज को करते हैं, अपनाते हैं, समझते हैं और अपने नियमित दिनचर्या में लागू करते हैं। मुश्किल होता है, क्योंकि आज के समय भाग दौड़ भरी जिंदगी है और ये सब सही करना बहुत ही कठिन काम लगता है आज के समय में। लेकिन करना तो जरूरी है, अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने आप को अच्छा स्मार्ट दिखना है और अपने जो हम जो भी जिस प्रोफेशन में भी हैं उस प्रोफेशन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो हम सब जानते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। और कोशिका हेल्दी कैसे रह सकता है? कोशिका को हेल्दी रखने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से। वह है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, और तीसरा है ब्लड का सर्कुलेशन। जैसा हम बताया कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ये कोशिकाओं में तो अपने आप जाएगा नहीं, उसको कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा हमारा ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो बह रहा है रक्त, वो रक्त लेके जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स से हमारी बॉडी का सिस्टम बनता है और सिस्टम से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए ब्लड की सर्कुलेशन नितांत आवश्यक है। और आज के समय में हम सब देख रहे हैं लोगों के पास समय का अभाव है। जी हाँ, लोगों के पास समय का अभाव है, लोग एक्सरसाइज करने से कतराते हैं और उनके उनकी मजबूरी भी, बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी है। कोई वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो अगर करते हैं तो थकान हो जाती है, सांस फूलने लगता है, नहीं कर पाते हैं। किन्हीं को घुटने में तकलीफ है, वॉकिंग करने जाएंगे तो घुटने में दर्द बढ़ सकता है, हिम्मत नहीं होती है, किसी का लाइफस्टाइल सही नहीं है, रूटीन सही नहीं है, कोई नाइट ड्यूटी करते हैं, कोई डे करते हैं, कोई अगर मान के चलिए रात को लेट सोए तो सुबह कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे, लेकिन ऑफिस जाना है, या हमने नाइट शिफ्ट करके आए हैं और हम रात को लेट आए हैं और हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो हमारे रूटीन नहीं हो पाता है, भूख लगी रहती है, हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कैसे एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये सारे जो समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में ना ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि हम आपको बहुत दिक्कत होती है कि अपनी बॉडी को पुश करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो अगर अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमारी बॉडी का ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब जहां आप बात करेंगे, अरे एक्सरसाइज से भी हो सकती है, बिल्कुल एक्सरसाइज से भी ब्लड का सर्कुलेशन सही हो सकता है, लेकिन कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग जिम करते हैं, कितनी बार करते हैं, क्या रेगुलर कर पाते हैं? आप सोच के देखिए, कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए अवेयर है, सचेत है कि नहीं हमें हमारी बॉडी को निरोग रखना है। लेकिन यही दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए या जैसा भी कहिए, ये हमारे देश में या पूरे विश्व में जो महामारी आई उसने सबको सचेत कर दिया, जागृत कर दिया,
सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर बहुत जरूरी है निरोगी रखना। इम्यून सिस्टम की बात होने लगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात होने लगी। आज के समय सारे प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं ना, उसमें इम्यूनिटी की बात की जाती है। यहाँ तक तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, हर चीज में अब देखिए इम्यूनिटी को घुसेर दिया गया है, डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना हमारा मार्केटिंग अच्छा होगा। भले हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन डाल तो देते हैं, वो अट्रैक्ट करता है वो चीजों को। तो क्यों ना हम अपने बॉडी को सही तरीके से, अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाएं, निरोगी बनाएं, तो उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप योगा नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, उसके बावजूद आपके कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ब्लड की सर्कुलेशन वीक होने के कारण आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, आपको सेटिका की प्रॉब्लम हो गई, आपको कह सकते हैं नी में प्रॉब्लम हो गया, आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई, आपको नींद की समस्या हो गई, ये सारी समस्या के साथ साथ आपको डायबिटीज की समस्या हो गई, इन सभी समस्याओं को केवल और केवल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको ठीक कर सकता है, आपको निरोग कर सकता है, उससे आपको निजात मिला सकता है, आपको उससे बचा सकता है, हाँ प्रिवेंशन भी कर सकता है और क्योर भी करने के रास्ते में आपको प्रोत्साहित कर सकता है, आपको मजा भी आएगा, आप करके देखेंगे। तो जी हाँ, उस प्रोडक्ट का नाम है टियांस ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन। जी हाँ, आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं टियांस ब्लड सर्कुलेटर मसाजर मशीन जो है हमारी ब्लड के सर्कुलेशन को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है। हमारी बॉडी के लिए जितना नितांत आवश्यक है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को उतना लेके जाता है और आपकी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाता है। अब बोलेंगे कि ये ऐसा क्या है जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिम नहीं कर सकता है, और ये मशीन कर सकता है। जी हाँ, हम सब जानते हैं, आप देखें स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये किस चीज का चार्ट है, आप सब अधिकतर लोग जानते होंगे ये एक्यूप्रेशर का चार्ट है। जैसा हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, लीवर होते हैं, किडनी होते हैं, पैंक्रियाज होते हैं, स्प्लीन होते हैं, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और ब्रेन के हमारे ऑर्गन्स होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सारे ऑर्गन्स को हम यहां से ठीक तो नहीं कर सकते, अंदर घुस के तो हम नहीं साफ कर सकते या ठीक कर सकते। तो क्या होगा, उसके सदृश बिंदु होते हैं, उसके रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, किस पे होते हैं, हमारे हाथों में भी होते हैं और पैरों के तलवे में भी होते हैं। उसको स्टिमुलेट किया जाए तो क्यों ना अपने रोग को ठीक किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा शरीर खुद का डॉक्टर खुद है। ये सही, आपने आप तो जानते ही होंगे कि हमारा शरीर खुद का डॉक्टर खुद है। तो हम शरीर को अगर वो माहौल दे दें, अपने कोशिकाओं को, अपने ऑर्गन्स को, अपने सिस्टम को वो माहौल दे दें, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर करने लगता है, बीमारियां दूर होने लगेगी, बॉडी डिटॉक्स होने लगेगा और हेल्दी होने लगेंगे। क्यों ज्यादा दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? तो क्यों ना नेचुरल वे से अपनी बॉडी को हेल्दी बना जाए। तो पहला हमने बताया एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर कि जो पॉइंट्स होते हैं जो आपने इस मशीन पे जो देख रहे हैं, जो दाने दाने बने हैं, उस पे हम खड़े होकर जब इसका थेरेपी लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को ये सही ढंग करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो लगभग 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैरों में होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। जब हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होंगे तो हमारे बॉडी के जो रुके हुए ऊर्जा है उस वो ऊर्जा का बहाव सही ढंग से होने लगेगा। जब ऊर्जा का बहाव सही ढंग से होने लगेगा, ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में सही अंगों तक पहुंचने लगेगा, तो हमारा शरीर धीरे धीरे रिकवर करने लगेगा, हेल्दी होने लगेगा। दूसरा ये इफेक्ट क्या देता है मशीन हमारा, मसाजर इफेक्ट। आप विश्वास कीजिए हमारी, आप कभी इसको डेमो करके देखिए इस मशीन का। आप अगर इस मशीन पे 3 से 5 मिनट अगर खड़े हो जाते हैं सही तरीके से, तो आप इतना हल्का महसूस करेंगे, अपने जिस अंग को वहां रख करके थेरेपी लेंगे वो अंग इतना हल्का महसूस होगा, आप सोचेंगे यार इतना हल्का भी अंग होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप खड़े होकर लेते हैं 3 से 5 मिनट, आप ऐसा महसूस करेंगे यार इतना हल्का हो गया मेरा पैर, आज तक कभी हुआ ही नहीं, इतने तेल से मालिश किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी चीज किया, लेकिन इतना हल्का पैर, चमत्कार जैसा महसूस होगा। जी हाँ, और तीसरा है ये ब्लड के सर्कुलेशन को जैसा हमने बताया था ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है। हमारा शरीर के जो हमारे शरीर के जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, वो कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, एक बायंस के हिसाब से बताऊं तो वो है 72। उसी रेशियो पे ये मशीन को बनाया गया है और ये शानदार मशीन है। साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज होती है, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन से तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, 5 तत्वों से बना है। और 5 तत्वों के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है वही ऊर्जा इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है, शरीर कंट्रोल होता है।
वो ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे काम करता है, उस ऊर्जा को भी बैलेंस करता है ये। और जब हम जानते हैं सारे नक्षत्र ग्रह कहते यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ब्रह्मांड में जो शक्ति है वही इस पिंड में है, तो वो ब्रह्मांड की एनर्जी सर्कुलर मोशन में घूमती है, ऐसे ऐसे जीत जग नहीं होता है, वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। वैसा ही हमारा ये मशीन, ये हमारे टियांस के ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन पे आप जब खड़े होते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी को सर्कुलर मोशन में नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाती है और आपके बॉडी को भी हेल्दी बनाता है। आप जो हमारे चक्रा होते हैं, हमारे पंचकोश होते हैं, उसको भी ये ट्रीट करता है, उसको भी हेल्दी बनाता है, क्योंकि वहां भी तो ऊर्जा चाहिए। वो अगर ऊर्जा रुक गई है, वहां दूषित वायु वहां जमा हो गया है, दूषित एनर्जी जमा हो गई है, तो भी सही ढंग से हमारे जो कोश है, हमारे चक्रा है, नहीं काम करेंगे। लेकिन जब हमारे बॉडी के कोश चक्रा सही ढंग से काम करने लगेंगे, तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी सही होने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगा, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी होने लगेगा। तो इस प्रकार एटियांस का VCM मशीन इतना उपयोगी है, इतना असरकारक है, इतना लाभदायक है, इसका इस्तेमाल कीजिए, खुद भी कीजिए और अपने परिवारजनों को खुद करवाइए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और आप अगर बीमार हैं तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे, और अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई राय हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नया VCM मशीन चाहिए, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो आप इस टियांस की VCM का इस्तेमाल कीजिए, अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाइए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।